गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल हेल्दी एंड वेल। वेलकम टू द विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। माई नेम इज़ वंदना पाल एंड आई एम योर क्लास टीचर। टुडे वी गोइंग टू लर्न अबाउट यूजेस ऑफ ए। ओके, ए एंड ए एन। ओके, ए एंड ए एन। When a word started with a consonant, we use a before it. ओके, वैसे तो हमारे 26 लेटर हैं, उसमें से आपको पता है कि फाइव जो हैं वो हमारे वॉवेल हैं एंड 21 जो लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट जो 21 लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, उन लेटर्स के सामने है ना, पहले बिफोर मीन्स पहले हम ए यूज़ करेंगे। ओके, क्या यूज़ करेंगे? ए। ठीक है, जो 21 लेटर है, जैसे कि बी है, सी है, डी है, एफ है, जी एच है ना, ऐसे करके पूरे 5 वॉवेल को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, हम जितने भी 21 लेटर हैं उन लेटर्स के आगे जब वर्ड स्टार्ट होगा, उन लेटर्स से जब वर्ड स्टार्ट होगा तो उनके सामने हम ए यूज़ करेंगे। ओके, ए। देखिए यहाँ पर अ बॉल, बी ए डबल एल बॉल। तो बी हमारा क्या है? फर्स्ट लेटर बी है ना, तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ए, अ बॉल, अ बॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अ कैट, सी ए टी कैट, कैट। ओके, डंकी, डी ओ एन के ई वाई, डंकी, डंकी। ओके, डंकी का पिक्चर बना ना। ए फीस, एफ आई एस एच फीस। गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, गर्ल का पिक्चर बताएं। ओके, अ हैन, एच ई एन हैन। काइट, काइट, के आई टी ई काइट। अ लोटस, एल ओ टी यू एस लोटस, है ना। तो देखिए इन सारे वर्ड, ये देखिए बी है ना, सी इसका फर्स्ट लेटर सी है, डंकी का फर्स्ट लेटर डी है ना, फीस का फर्स्ट लेटर एफ है। तो इस तरीके से जो कॉन्सोनेंट लेटर हैं, 21 जो कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ है ना क्या लगेगा? ए, ए यूज़ करेंगे हम, है ना। ठीक है, उन कॉन्सोनेंट लेटर के से स्टार्ट होने वाले वर्डों के साथ, जैसे कि बी से, लेटर बी से क्या स्टार्ट हुआ? बॉल। लेटर सी से कैट, है ना। तो इस तरीके से जो वर्ड आएंगे कॉन्सोनेंट जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उन वर्डों के साथ हम ए यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ एन, ए एन एन। ओके, वी यूज एन बिफोर द वर्ड दैट इज स्टार्टेड विथ अ वॉवेल, है ना। तो हमारा वॉवेल कितना है? 5 है, ए ई आई ओ यू। तो इन लेटर्स के साथ, वॉवेल के साथ हम ए एन यूज़ करेंगे, एन ए एन, है ना। जैसे कि देखिए ए डबल पी एल ई एप्पल, तो फर्स्ट लेटर ए है, तो ये हमारा वॉवेल है ना। तो ए से, ए वॉवेल से क्या बना है? एप्पल। तो एप्पल वर्ड के सामने हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एन, एन एप्पल, है ना। ए एक्स ई एक्स, है ना। ये देखिए एक्स, तो फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है, ए, ए वॉवेल। तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके साथ? एन, एन एक्स। ठीक है, ए पी, ए पी ई एप, है ना। तो एन एप, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर भी हमारा वोवेल है, एन एप। एन एग, ठीक है, ई डबल जी एग, तो ई जो है हमारा वोवेल है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे उसके आगे? एन, एन एग। ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, तो एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है, ई वोवेल, है ना। तो क्या यूज़ करेंगे? एन, एन एलिफेंट। ठीक है, एन ईगल, ई ए जी एल ई ईगल, एन ईगल। ई जो है फर्स्ट लेटर वो वॉवेल है इसलिए। ठीक है, आई से देखिए इग्नू, एन इग्नू। एन इंकपॉट, एन आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर आई है, इंकपॉट का फर्स्ट लेटर आई
है ना, इग्नू का फर्स्ट लेटर, इग्नू का फर्स्ट लेटर क्या है, आई है, तो इनके फर्स्ट लेटर आई है जो कि वॉवेल है इग्नू का, है ना। ठीक है, तो समझ में आया, एन एप्पल, एन एक्स, एन ऐप। इस तरीके से जब हम ए ई आई ओ यू इन फाइव वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्डों के आगे हम क्या लिखेंगे, एन, एन जोड़ेंगे हम, एन, एन एप्पल, एन एक्स, एन ऐप, एन एग, एन एलिफेंट, एन ईगल। ओके, तो जब भी हम, हमारा जो वर्ड है वो वॉवेल से स्टार्ट होगा तो एन, और जब भी हमारा वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए। ठीक है, ओके स्टूडेंट।